भाई आज मैं गई थी मार्केट, और मार्केट में बहुत छोटी छोटी सी चीजें और इतनी महंगी लगी कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो मैंने सोचा इसको अगर मैं घर में बनाती हूँ अपने हिसाब से तो ज्यादा खूबसूरत भी बनेगा और पैसे भी बचेंगे, घर भी सजेगा। तो मैंने क्या सोचा और मैं क्या लेकर के आई और मैंने बनाया क्या, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना तो बनता है, कमेंट भी करिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स या मेरे चाहने वाले मुझे पसंद करते हैं, मेरी जो DIYs है उनको पसंद करते हैं, तो एक लाइक बनता है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलिए शुरू करते हैं बनाना अपना आज का DIY। जैसा कि आपने देखा, मैंने एक ली बैंगल्स, और ये जो हम लोग बैंड लगाते हैं बालों में, ये वही है। इसको कवर कर दिया मैंने और इस तरीके से तमाम सारे बना लिए। और कुछ ऊन लिए। आज की DIY बहुत मज़ेदार होने वाली है और बहुत बढ़िया बनने वाली है। जब आप देखेंगे, रेडी हो जाएगा ना, तो आप ज़रूर कहेंगे वाह बहुत खूबसूरत बना है। और आप भी बनाएंगी ज़रूर, ये मुझे यकीन है कि आप भी बनाएंगी ज़रूर। ये मैं बना रही हूँ टसल। मैं दो कलर में बनाऊंगी, अब बड़ा सा टसल बनाना है तो थोड़ा सा हैवी भी होगा, तो जितना मैंने इधर लपेटा है उतना ही उधर ले रही हूँ। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बड़ा रखना चाहती हैं और कैसा रखना चाहती हैं। एक बड़ी सी सुई ली है और मैं यहाँ पे जो गांठ लगाते हैं ऊन से या धागे से, उसके बीच से ही इसको पिरो लेंगे और फिर डबल कर देंगे, खींच करके बंद कर देंगे। ये देखिए, अब हम थोड़ा सा लगभग 1 इंच ले करके इसको कवर कर देंगे, इसको गांठ लगा देंगे। इस तरीके के टसल बनाना बहुत आसान होता है, और टसल हम कई तरीके से बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। बस थोड़ा सा इमेजिनेशन लेना होता है कि इसमें हम क्या अलग कर सकते हैं। तो मैं इसको बना रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में बनाऊँगी, आप भी कहोगे वाकई में बहुत अच्छा बना है। अब मैंने दोनों तरफ के एक एक हिस्से ले लिए हैं और मैं इस पे गांठ लगा दूंगी। छोटी छोटी सी बातें, छोटा छोटा सा दिमाग लगाना होता है और चीज़ें बनकर के रेडी होती बहुत खूबसूरत। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से कवर कर लिया है। अब इसको कट कर देते हैं और बराबर कर लेते हैं, क्योंकि अगर टसल में ज़रा भी इधर उधर धागे निकले निकले ऊन निकले हुए रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो इसको बराबर से कट कर लेना है। हर धागा खोल लिया और अब करूँगी इसको बराबर बराबर करके कट कर दूँगी कट। ऊन जितना सॉफ्ट होगा, जितना शाइन करेगा, आपका टसल उतना ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा बनकर रेडी हुआ है। आप इसमें चाहें तो मोती लगा सकते हैं साइड साइड में। और अब मैं इसको धागे की हेल्प से और कुछ बीड्स लगा करके बना रही हूँ। छोटे छोटे से पम-पम लिए हैं। आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकती हैं, बहुत आसान होता बनाना, और अगर चाहें तो मार्केट में भी मिल जाते हैं, तो जैसा आप चाहें। और फिर एक मोती लगाई और गांठ लगा दिया, जिससे मोती हमारी इधर उधर निकलेगी नहीं, भागेगी नहीं। फिर एक गांठ लगाई और वहाँ पर मोती को डाल दिया। मोती थोड़ी सी बड़ी लेनी है, मेरे पास मोती कम थे तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है इसको कुछ बड़ी हो और बराबर से लगाते चले जाएं। अगर आपके पास और बड़ी सी बीड्स हो ना तो बहुत सुंदर बनने वाला है ये, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी वाली नहीं थी, मीडियम साइज़ की थी तो मैंने उसको लिया है। फिर से मैंने एक पम-पम लगाया
फिर से मोती डाली और गांठ लगा दिया। अब ये जो मैंने चूड़ी का और रबर बैंड का बनाया था, कवर किया था, इसको लगा दूंगी। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप चाहो तो घर में आसानी से बना सकते हो और घर को किसी भी तरीके से, चाहे इसको वॉल हैंगिंग के रूप में डेकोर कर सकते हो, चाहे आप इसे अपना कर्टन टाई बैग बना सकते हो, या आप होल्डर भी कह सकते हो, कर्टन होल्डर। ये बहुत 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 सुंदर लगने वाला है और मैं इसे कर्टन होल्डर ही बना रही हूँ, कर्टन टाई बैग ही बना रही हूँ। और ये इतना प्यारा लग रहा था ना कि सच बताऊँ, बनाने के बाद मुझे भी यकीन नहीं था कि ये इतना प्यारा बन सकता है। मैंने मार्केट में इसको देखा था, लेकिन बस उसने पम पम बनाया हुआ था और बड़े बड़े से दो बीट्स लगा दिए थे, तो वो उतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन महंगा बहुत था। तो मैंने सोचा अगर इसे मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊँ तो कितना प्यारा लग रहा। आप देख रहे हैं सामने कितना सुंदर लगने वाला है, ये देखिए आ गया ना मज़ा देख करके। और बनाना कितना सरल है, फटाफट जब भी चाहे घर को कुछ अलग बनाना, तो इस तरीके से छोटी छोटी सी DIY बना करके हम कोई चीज़ बहुत सुंदर बना सकते हैं। और ये बहुत प्यारा लग रहा है, हो सकता है आपको वीडियो में इतना अच्छा लगे। और देखें दूसरा मैं बना रही हूँ, तो मेरे पास पिंक कलर का ही ऊन है, मैंने पिंक ही ले लिया है और उसकी एक चोटी बना ली है। दो दो की लेनी है, 6 डोरी होंगी और उसकी डोरी बनानी है एक चोटी जैसी। अब इस चोटी को हम एक बीट्स लेंगे और उसके बाद में एक पम्पम लेंगे, कोई भी कलर का। मैं बस आपको सिर्फ बना करके दिखा रही हूँ, इसको कंप्लीट नहीं बना रही हूँ। जब ये कंप्लीट बनेगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। अगर मैं पूरा इसको ढंग से बनाऊँगी और आपको बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए जिससे आप उसको अच्छे से बना सको। तो ये देखिए, ये जो मैंने ढक्कन लिया है, ये जो पानी की बोतल होती है, कुछ छोटी बोतल आती है, कुछ बड़ी बोतल आती, तो मैंने एक छोटी बोतल ली है, एक बड़ी बोतल ली है, दोनों तरफ इस तरीके लगा दिया, होल कर रखा था। अब उसमें एक छोटी सी मोती ली और उसको पलट कर लगा दिया, फिर से बाहर आ करके गांठ लगा दी और हमारा ये टाई बैग रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, आपको छोटी छोटी सी जो बीट्स आती हैं या बड़ी आती हैं जो कट वाली होती हैं, उनको लगानी है। मेरे पास कट वाली ख़त्म हो गई थी, तो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरीके से बनाना है। तो मैं ऐसे ही मेरे पास जो मोती है मैं उसी को लगा के दिखा रही हूँ। तो इसको सिर्फ समझिएगा, इसको कंप्लीट मत समझिएगा, ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट नहीं बनाया, बस बना करके आप लोगों को आइडिया दिया है कि अगर आप इस तरीके से बनाते हो ना, तो महंगे से महंगा ये जो टाई बैग हम लोग मार्केट से खरीदते हैं घर में बना सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत ही खूबसूरत। तो मेरे पास जितने हैं मोती मैं उनको लगा दे रही हूँ। क्योंकि जो गोल वाली मोती होती हैं ये बहुत देर तक नहीं रुकती हैं, गिर जाती हैं। कट वाली मोती जो होती है वो परमानेंट लग जाती हैं, निकलती नहीं हैं। इसलिए मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन के रूप में बना करके दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर बनने वाला है और कितना अच्छा लगने वाला है। तो चलिए इसको मैं अभी भर दे रही हूँ जितना लगा सकती हूँ, क्योंकि ढक्कन पर लगाना है और पूरा मोती है तो उतना बढ़िया से लग भी नहीं पाएगा। और ये देखिए इस तरीके से हमें इसको लगाना। अब दूसरा वाला भी लगा देते हैं। तो ये देखिए दोनों मेरे लग के रेडी हो चुके हैं मोती। अब मैं इसको होल्ड करके दिखाती हूँ आपको पर्दे पर। ये देखिए, क्योंकि दोनों ढक्कन आपस में एक दूसरे में चले जाते हैं तो हमें किसी भी तरीके से कुछ ऐसा नहीं करना है, बहुत अच्छी तरीके से होल्ड हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब ये कंप्लीट बन करके तैयार होगा। तो है ना बिल्कुल 5 मिनट में बनने वाला खूबसूरत सा टाई बैग। तो ये मैंने एक ये बनाया, इसे आपने देखा, और बहुत ही आसानी से बनने वाला, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए है, बस ऐसे इसको लगा देना है
तैयार हो गया हमारा पर्दा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा। और दूसरा ये, बस इसको मोतियों से पूरा भर देना है, ढक्कन का पता नहीं चलना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत टैबैग हमारा तैयार है। और दूसरा ये भी मैंने चूड़ी से बनाया है, बीच में मैंने ऊन से इसको कवर किया है और इस तरीके से इसको लगा दिया है, डोरी लगाई ली है। और उसके बाद में इस पर इस तरीके से पम पम से मैंने हैंग कर दिया। ये भी लगने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ लगा करके। मैंने इसको बताया नहीं बनाना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो ये आप खुद देख रहे हो। बस एक ऊन का धागा लिया है, उसमें मोती पिरोइए और ऐसे बनाते चले गए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो है ना, ये छोटे छोटे से जुगाड़ हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। जब हम घर में बना सकते हैं इतने खूबसूरत चीज़ें, तो हम मार्केट से क्यों लाएँ महंगी महंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? दोनों मैंने हैंग करके दिखा दिया, मेरे पर्दे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।